नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। मुंबई के ढिंडोसी पुलिस थाने के SHO मनोज सुतार 18 अप्रैल 2023 की सुबह अपने कार्यालय में बैठे थे, तभी उनका एक मुखबिर उनके सामने हाजिर हुआ। साहब, एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ, मुखबिर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बताओ क्या खबर लाए हो? मनोज सुतार ने कहा। साहब, फिल्म जगत की कास्टिंग डायरेक्टर और हीरोइन आरती मित्तल सेक्स रैकेट चला रही है। मुखबिर ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा नाम है, अगर थोड़ी सी भी भूल चूक हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे मेरी। इंस्पेक्टर ने घबराते हुए कहा। नहीं साहब, एकदम पुख्ता खबर है, मेरे पास मोबाइल नंबर भी है, आप बात करो, आपको खुद पता चल जाएगा। कहते हुए मुखबिर ने एक मोबाइल नंबर इंस्पेक्टर मनोज सुतार को दे दिया और वो वहां से चला गया। खबर काफी महत्वपूर्ण थी और एक ऐसी शख्सियत से जुड़ी थी कि इंस्पेक्टर मनोज सुतार ने इसकी खबर तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। उच्च अधिकारियों द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद इंस्पेक्टर मनोज सुतार ने इस केस की तहकीकात करनी शुरू कर दी। जब जिम्मेदारी मिली तो इंस्पेक्टर मनोज सुतार ने तुरंत मुखबिर द्वारा दिया गया फोन नंबर मिला दिया। जी, आप आरती जी बोल रही है ना? जी, आपने सही फोन मिलाया, मेरे बारे में तो आप जानते ही होंगे, मगर आपको मेरा मोबाइल नंबर आखिर कैसे मिल गया? उधर से आवाज आई, आरती जी, मैं एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी हूँ, अपने कस्टमर के लिए मुझे भी कभी कभी कुछ करना पड़ जाता है, पता नहीं मेरे कस्टमरों के भी बड़े अजीब शौक है, अब पूरा ना करें तो कस्टमर हाथ से निकल जाते हैं, आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मनोज सुतार ने पासा फेंकते हुए कहा। आपने इतनी देर बात कर ली, कम से कम आप मुझे अपना नाम तो बता दीजिए, आरती ने कहा। आरती जी, मेरा नाम शुभम मीणा है, मेरे दो बहुत बड़े कस्टमर हैं, विवेक और कैलाश, दोनों हसीन चेहरों के आशिक है, उनका काम हो सकता है क्या? मनोज सुतार ने कहा। शुभम जी, आपका काम तो अवश्य हो जाएगा, मगर दाम कुछ ज्यादा देने होंगे, आरती ने कहा। आरती जी, जब आपसे बात हुई है तो दाम का क्या मोल भाव करना है, आप तो मुझे बताइए कि दाम कितने चुकाने हैं? मनोज सुतार बोले। शुभम जी, दो लोग हैं तो दो लड़कियां भी होंगी, आपको दोनों लड़कियों के 60,000 रुपए चुकाने होंगे, बोलो मंजूर है या नहीं? आरती बोली। जी मंजूर है, आप उनके फोटो मुझे भेज दीजिए, पसंद आने पर मैं आपको भी अभी बता दूंगा, मनोज सुतार ने कहा। शुभम जी, एक बात और है, मेरी दोनों लड़कियां जुहू या गोरेगांव स्थित होटलों में ही आएंगी, आपको वहां पर दो कमरे बुक करने होंगे, होटल का भी खर्चा आपको ही करना पड़ेगा, आरती मित्तल ने बात स्पष्ट की। आरती जी ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। शुभम जी, मैं आपको अपनी मॉडल के फोटो व्हाट्सएप पर भेज रही हूँ, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी मॉडल्स आपको अवश्य पसंद आएंगी, कहते हुए आरती मित्तल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर मनोज सुतार ने जब अपने मोबाइल पर आवाज सुनी तो उन्होंने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो उन्हें वहां आरती मित्तल की ओर से दो लड़कियों की फोटो मिली। उन्होंने उसी समय इसकी सूचना तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इंस्पेक्टर मनोज सुतार ने तुरंत अपने दो सब इंस्पेक्टर तैयार किए और उन्हें सब कुछ समझा दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी योजना के तहत आरती मित्र को फोन किया। जी बोलिए शुभम जी, आपको पसंद आई? आरती ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। आरती जी, फोटो देखकर तो सचमुच मेरा दिल खुश हो गया, अब मैंने गोरेगांव के चितरंजन होटल में आपके कहे अनुसार दो कमरे भी बुक करा दिए हैं, एक कमरा विवेक के नाम और दूसरा कमरा मैंने अपने क्लाइंट कैलाश के नाम बुक करा दिया है। देखिए आरती जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दोनों मेरे काफी खास कस्टमर है, मैं इन दोनों को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद इन दोनों को लेकर 10 मिनट में गोरेगांव के चितरंजन होटल में पहुंच रहा हूँ, मनोज सुतार ने बताया। शुभम जी, आप अपने कस्टमर का काफी अच्छा ख्याल रखते हैं, व्यापार में तो ये सब करना ही पड़ता है, पर आप कुछ निवेदन करना चाहते थे, वो तो आपने अभी तक किया नहीं, बोलिए आखिर क्या निवेदन करना चाहते हैं आप? आरती ने पूछा। आरती जी, मेरा निवेदन यह है कि भविष्य में भी आपसे मेरा संपर्क बना रहे, इसलिए यदि जब इतना जोखिम उठाकर मैं खुद होटल आ रहा हूँ तो आप भी अपने मॉडल्स को लेकर खुद वहाँ पर पहुँच जाती तो मुझे अच्छा लगता, वैसे मैं तो एक निवेदन कर रहा था, शुभम जी आपसे मेरी ये पहली डीलिंग है, इसलिए चाहकर भी मना नहीं कर सकती, आप मुझे बता दीजिए मैंने अपनी मॉडल्स को लेकर कब आना है? जी मेरे क्लाइंट तो आपकी मॉडल्स के फोटो देखकर बावले से हो गए हैं, मैंने रूम भी बुक करा दिए हैं, अब मैं जल्दी आपको बताता हूँ। शुभम जी आप भी कमाल के इंसान हैं,
मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारी आपसे ये डील काफी लंबे समय तक चलेगी। मैं आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ, जल्दी बताइएगा। बस मैं 5 या 10 मिनट के बाद आपको सूचित करता हूँ। आपका पेमेंट भी मैं नकद आपको कर दूंगा, मनोज सुतार ने ये कहते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इंस्पेक्टर मनोज सुतार ने अपने 2 सब इंस्पेक्टरों को पहले से ही इस काम में लगा दिया था। ठीक 10 मिनट के बाद मनोज सुतार ने शुभम बनकर आरती को फोन कर दिया। आरती मैम, मैं अपने दोनों कस्टमरों के साथ चितरंजन होटल में पहुंच रहा हूं। आप भी ठीक 20 मिनट में वहां पहुंच जाइए। ठीक है शुभम जी, मैं अपनी मॉडल्स को लेकर यहां से निकल रही हूं। असल में जब इंस्पेक्टर मनोज सुतार ने आरती मित्तल को फोन करके बुलाया था, उस समय तक उनकी समाज सेवा शाखा टीम होटल में पहुंच चुकी थी और दोनों कमरों के बाहर एवं आसपास पुलिस टीम द्वारा स्पाई कैम लगाए जा चुके थे। ये 17 अप्रैल 2023 सोमवार की घटना थी। थोड़ी ही देर बाद कास्टिंग डायरेक्टर आरती मित्तल अपने साथ 2 मॉडल्स को लेकर गोरेगांव स्थित चितरंजन होटल पहुंच गई। उसके आते ही मनोज सुतार अपने 2 फर्जी ग्राहकों के साथ आरती मित्तल के पास गए और अपना परिचय दिया। उसके बाद वे सब उन दोनों कमरों में चले गए। मनोज सुतार ने जब 60,000 रुपए आरती मित्तल को सौंप दिए, तब आरती मित्तल ने एक एक मॉडल को उन दोनों कस्टमरों को सौंप दिया। तभी चारों तरफ से मुंबई की समाज सेवा पुलिस टीम ने धावा बोल दिया और आरती मित्तल व दोनों मॉडल्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरती मित्तल एक बॉलीवुड अभिनेत्री और कास्टिंग डायरेक्टर है, जो मुख्य रूप से टीवी धारावाहिकों और वेब सीरीज में दिखाई देने वाला चर्चित नाम है। सन 2022 में जीटीवी के लोकप्रिय धारावाहिक कुंडली भाग्य में अभिनय करने के लिए उसे अपार सफलता मिली थी। आरती मित्तल का जन्म 18 अक्टूबर 1992 को हरियाणा के पलवल में हुआ था। इनके पिता इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। जब आरती मित्तल की उम्र 6 साल की थी, तब उनका परिवार दिल्ली आ गया था। दिल्ली में आरती ने टैगोर पब्लिक स्कूल और मीरा मॉडल स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद आरती ने अध्यापन का एक कोर्स किया और उसके बाद उन्होंने मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश से मार्केटिंग में एमबीए पूरा किया। एमबीए पूरा करने से पहले आरती ने टैगोर पब्लिक स्कूल में नर्सरी क्लास टीचर के रूप में भी काम किया था। एमबीए पूरा करने के बाद आरती मित्तल ने अपने नए कैरियर की शुरुआत में दिल्ली की एक निजी फर्म में नौकरी की। कुछ महीनों तक वहां काम करने के बाद आरती ने अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का फैसला किया और खुद का व्यवसाय शुरू करने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अपनी उस उच्च महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आरती मित्तल ने गुरुग्राम में बोर्ड जिम शुरू किया, लेकिन कोविड-19 के कारण उनका जिम 2020 में बंद हो गया। अपने उच्च सपनों को ना छोड़ने का दृढ़ संकल्प लिए आरती मित्तल ने अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी प्लांटेस्टिक ग्रुप शुरू की। उसके बाद उन्होंने अपनी मैनेजमेंट कंपनी के बैनर तले मिस्टर एंड मिसेस हरियाणा प्रतियोगिता का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था। इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन पर प्रायोजकों की कमी के कारण आरती मित्तल को काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी आरती मित्तल ने हार नहीं मानी। वो एक बार फिर से जुट गई और दिल्ली स्थित एक समूह के साथ काम करना शुरू कर दिया। दिल्ली में आरती मित्तल ने कुछ नाटकों में भी काम किया। इसके कारण आरती मित्तल को हाउस ऑफ प्लेटर, अरेबियन डेटिंग साइट और मैंग क्रिएशन जैसे नामचीन ब्रांडों के लिए कई प्रिंट अभियानों में शामिल किया गया। इसके बाद आरती मित्तल मुंबई आ गई, जहां उसे कई सीरियलों में और वेब सीरीज में काम करने का मौका मिला। अभिनेत्री और कास्टिंग डायरेक्टर आरती मित्तल को मुंबई पुलिस ने 17 अप्रैल 2023 को सेक्स रैकेट के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरती मित्तल के साथ पकड़ी गई दोनों मॉडल्स ने पुलिस को बताया कि अभिनेत्री आरती मित्तल उन्हें किसी विज्ञापन या सीरियल अथवा फिल्म में लेने से पहले उनसे कहती थी कि ये कॉम्प्रोमाइज का जमाना है, यदि तुम कॉम्प्रोमाइज करोगी तो फिर ही आगे बढ़ सकती हो। इसके लिए आरती मित्तल उन्हें गैर लोगों के साथ सोने और अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बनाती थी। गोरेगांव स्थित होटल में 2 लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए आरती ने उन दोनों मॉडल्स को 15,000 रुपए देने का वादा किया था। टिंडोसी थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच के लिए अपराध शाखा की यूनिट नंबर 11 को स्थानांतरित कर दिया है। घटना में गिरफ्तार दोनों मॉडल्स को पूछताछ के बाद पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया था। बॉलीवुड में ऐसी अनेक आरती मित्तल है जो जल्द मोटा पैसा कमाने के लिए अनुचित काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों का सत्य उजागर हो जाता है और कुछ का सत्य उसी में दफन होकर रह जाता है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।